मैं समझता हूँ ऐसे लोगों से पद्म भूषण नहीं, ये जूतों के यार है। इनको चार पांच जूते ढंग से दे दिए होते तो शायद ये समझ जाता, पद्मश्री देना चाहिए था जो देश के लिए मर मिटे, देश के लिए काम करे। मैं कंगना पंगना को नहीं समझता कुछ भी। ऐसे लोगों को पद्मश्री देकर पद्मश्री का अपमान करा है सरकार ने, और देश जानता है, आने पर बताएगा। कैसे कैसे लोगों को अवार्ड दे दिया है, अवार्ड का अपमान मत करो मोदी जी, अवार्ड सम्मानित आदमी को दो जो देश के लिए कुछ करे, देश के लिए जान दे। प्रभु का, भगवान का, अल्लाह का, जीसस का, ईसा मसीह का, गुरु नानक जी का नाम कभी भी ले सकते हैं श्रद्धा से। अब भारत का अपमान कर रहे हैं, पद्मश्री का अपमान कर रहे हैं, अच्छे अच्छे योद्धा थे हमारे देश में, ये ऐसे ही नाचने वालों को पद्मश्री देंगे तो देश का दुर्भाग्य। बहुत जल रहा हूँ मैं, मैंने उसको नाचते देखा भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर्दे पे देखा है, पैसे दे के टिकट लेके देखा है। ये नचनिया हो सकते हैं पर देश के लिए कुछ करने वाले लोग नहीं है। ये सत्ता के भूखे हैं, पैसे के भूखे हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, दिवाली के टाइम में मेरे यहाँ खान साहब है, उन्होंने हनुमान मंदिर की पूजा करी, अच्छा उनको जचाया, लाइट जलाई, रोशनी करी, सफाई करी, बहुत सुंदर बनाया। एक मुसलमान ने, सवाल ये है कि भारत का इतिहास ऐसा है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से आ गए हैं पंडित जगदीश शर्मा जी। इनको आपने देखा है कि कैसे ये सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। आज इनसे हम तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे कि कैसे देश में जो है माहौल बन रहा है, एक तरफ अजान और नमाज को लेकर तो दूसरी तरफ कंगना रनौत के हालिया बयान ने पूरी तरह से देश में जो है विरोध प्रदर्शन को जो है बढ़ावा दे दिया है। लोग उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं और साथ ही उनसे पद्मश्री लेने की जो है वो मांग कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत ही हम सर यहीं से करेंगे कि हाल ही में टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में कंगना रनौत बड़ी बेबाकी से ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि जो 1947 में आजादी मिली थी वो केवल भीख थी, असली आजादी तो साल 2014 में मिली है। बिल्कुल ठीक कह रही है, उसको तो 2014 मिली है, मोदी जी का साथ मिल गया, सरकार का साथ मिल गया, दोनों मिलकर सरकार को लूट रहे हैं, सुरक्षा मिल गई है, और जिस तरह से देश का माहौल खराब कर रही है सरकार, देश का माहौल खराब करने तो आई है, चोर चोर मुसेरे भाई, इधर ये मिल गई उधर सरकार मिली हुई है, तो आजाद तो ये भी है, पहले तो गुलाम थी, इस देश ने सर पे बैठाया, हीरोइन बनाया, इसकी फिल्में देखी, आज वो लोग पछताते होंगे कि हम किस महिला की फिल्म देखते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों से पद्म भूषण नहीं, ये जूतों के यार हैं, इनको चार पांच जूते ढंग से दे दिए होते तो शायद ये समझ जाते। सरकार पूरा करा रही है इनसे, सरकार पर्दे के पीछे है, सरकार को भी सोचना होगा कि जो, मैं समझता हूँ फिल्मी लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि फिल्म तो सब देखते हैं, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, क्यों अपने आधे दर्शकों को दुश्मन बनाने में तुले हैं लोग, सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में। जब ये नाकाम और फेल हो जाते हैं तो राजनीति में कोई ना कोई मोहरा ढूंढ लेते हैं, इन्होंने मोदी जी को पकड़ लिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि जनता उन्हें जूता दिखाएगी, लेकिन यही जनता है जो उनकी बेबाकी से राय को काफी पसंद करती है, उन्हें रानी लक्ष्मीबाई से उनकी तुलना की जाती है, उन्हें बॉलीवुड का क्वीन कहा जाता है। भाई देखो ऐसा मत करो, आप मीडिया वाले, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, रानी लक्ष्मीबाई का रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड है, इतिहास है, और इनका इतिहास जैसा सबको पता है, मोदी जी के साथ घूमने से, भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठने से इतिहास नहीं बनते हैं, इतिहास बनाए जाते हैं देश के लिए जान देने के लिए, देश के लिए काम करने से। इन्होंने क्या जान दिया, क्या काम करा है, सिर्फ देश को गुमराह तोड़ने के अलावा, देश में झगड़े कराने के अलावा, इन लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन पद्मश्री मिलना छोटी बात थोड़ी है, कुछ काम किया है तभी तो पद्मश्री मिला है। हाँ मिला है ना, मोदी जी की चमचागिरी, सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं, देश को तोड़ा है, पद्मश्री उन्हीं को दे रहे हैं। अरे पद्मश्री करने वाले थे, पद्मश्री देना चाहिए था, मतलब जो देश के लिए मर मिटे, देश के लिए काम करें, जो महंगाई जो जिस तरह बढ़ी उसको रोकने की कोशिश करें, नए नए आविष्कार करें, उनको ऐसे अवार्ड मिलने चाहिए। और जैसे इनको मिल रहे हैं तो ये पद्मश्री का भी अपमान समझता हूँ। ये सरकार जब से आई है 7 साल से सेंटर में, और पीछे से जो गुजरात में है, सिवाय इन्होंने गुजरात, और गुजरात मॉडल आप देख लीजिए, अब भारत का अपमान कर रहे हैं, पद्मश्री का अपमान कर रहे हैं। अच्छे अच्छे योद्धा थे हमारे देश में, जिन पुलवामा में जिन जवानों ने जान दे दी, रोज जो मर रहे हैं, उनके माँ बाप को, उन सबको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी बात नहीं करेंगे। ये ऐसे ही नाचने वालों को पद्मश्री देंगे तो देश का दुर्भाग्य है। आप कंगना को जो है नाचने वाली कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंगना की पॉपुलैरिटी से आप लोग कुछ को दिक्कत हो रही है, जलन तो नहीं हो रही है उनकी पॉपुलैरिटी? बहुत जल रहा हूँ मैं, मैंने उसको नाचते देखा भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर्दे पे देखा है, पैसे दे के टिकट लेके देखा है। ये नचनिया हो सकते हैं पर देश के लिए कुछ करने वाले लोग नहीं है, ये सत्ता के भूखे हैं, पैसे के भूखे हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको कहाँ से पद्मश्री की अवार्ड लगी वो बताइए, हमेशा इन्होंने ड्रग्स को साथ करा, अब इस क्यों नहीं बोली इस माहौल के अंदर, ये जो अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा गया, इनके मुंह में दही जम गई थी क्या? लेकिन कंगना ने खुद ये साफ कर दिया है कि अगर उनका बयान
निर्धारण गलत साबित हो जाता है तो वो खुद ही पद्मश्री को वापस लौटा देंगी राष्ट्रपति। तो उनको कर देना चाहिए था वापिस। सच्चाई तो यही होती, हम भी समझते क्या बात है, ये होती है हमारे देश की हीरोइन ने वाकई दिल दिखाया। नहीं करेगी, जब तक जूते नहीं पड़ेंगे देश जूते नहीं मारेगा, नहीं करेगी। माफी भी मांगी ना उसने, अभी माफी भी मांगी तो अवार्ड भी दे दे, क्या करेगी इस अवार्ड का जब थू थू पूरे देश में हो रही है। उस जवान को अवार्ड देना जिनने, उस परिवार को अवार्ड दो जिसने अपना बेटा खो दिया, पुलवामा में 40 जवान मार दिए, उनके परिवार वालों को अवार्ड दो, सम्मान दो, नौकरी दो, वो नहीं देंगे। ऐसे नचनियों को अवार्ड देकर अवार्ड का अपमान करना है सरकार की मंशा पर आवाज। लेकिन देश की इतनी बड़ी अभिनेत्री जिन्होंने इतने बड़े बड़े किरदार निभाए, उनको नचनिया कहना क्या सही है भाई? प्लीज, उन्होंने कोई किरदार नहीं निभाए, उन्होंने अपने काम करे हैं, अपनी फिल्म बनाई है, पैसा कमाया, पैसे के लिए सामने आई है। अगर वाकई देश हित में बात करती, सोनू सूद ने करा काम है, कोरोना के टाइम में सबको बस फ्री दी, मजदूरों की मदद करी, खाना दिया, ऐसा कोई काम दिखाना इसने करा हो तो। इन्हें तो देश को लूटा सरकार के साथ मिलकर, अपने घर को भरा, सुरक्षा ले ली है। मैं कह रहा हूं कमाल के लोग हैं, कैसे कैसे लोगों को अवार्ड दे दिया है। अवार्ड का पान मत करो मोदी जी, अवार्ड सम्मानित आदमी को दो जो देश के लिए कुछ करे, देश के लिए जान दे, उस परिवार को अवार्ड दो। अगर देना ही है हम भी आपका समर्थन करेंगे। नाच गाने वालों को अवार्ड दे, बहुत अच्छे अच्छे हीरो भी रहे हैं फिल्मी सिटी में जिन्हें काम करा, जिनको याद करा जाता है, सदाबहार कहा जाता है, अच्छे गाने भी गाए हैं, ऐसे को दो ना। इन्होंने एक काम बताइए क्या करा है सिवाय सरकार और मोदी की मदद करने के अलावा, ऐसे अवार्ड नहीं बांटने चाहिए। एक सवाल ये खड़ा होता है कि अभी जो है महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने, उन्होंने क्या जो है राष्ट्रपति को बकायदा चिट्ठी लिखी है और कहा है कि कंगना रनौत को जो पद्मश्री मिला है वो जो है उनसे वापस ले लिया जाए। सारे लोग वही काम करें जो मैं कह रहा हूँ, वापस लेना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कंगना जी को दे देना चाहिए अपने मान सम्मान के लिए, क्योंकि देश उनके खिलाफ उतर गया। वो तो ये भी कह रहे हैं कि उन पर देशद्रोही का जो है मुकदमा लगाया जाए, तो क्या लग रहा है आपको, इतना सब होने के बाद राष्ट्रपति वाकई में उनसे पद्मश्री का अवार्ड लेंगे या नहीं? लग रहा है ना, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो लोग मूर्ख तो है नहीं जो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। गुना कहे तो अपमान करा ही उन्होंने, माफी भी मांग रही, क्यों मांग रही है? अगर उन्होंने अपमान नहीं करा है और कुछ उल्टा नहीं बोले तो माफी क्यों मांग रही है? इसकी माफी मांगने बताती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब तो सरकार को सोचना है कि चोर और भर्ती करने हैं या अच्छे लोगों को सम्मान देना है, इस सरकार का। कहीं आपको भी तो नहीं लगता है कि कंगना के लिए स्वतंत्रता सेनानी गोडसे और सावरकर है, बल्कि भगत सिंह और महात्मा गांधी उनके लिए स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये सब जिन्होंने देश आजाद कराया, वो भी कहने की शर्मसार होंगे इस दिन को देखने के लिए। नहीं कराया था कि महात्मा गांधी के हत्यारों को अवार्ड दिया जाएगा, नथुराम गोडसे को सम्मानित करा जाएगा। ये लोग, इनके बाप दादा इसी कैटेगरी के थे, लेकिन हम इनके साथ जाने वाले नहीं है। भारत के उस हर आदमी का सम्मान करेंगे जिसने इतना भी आज़ादी के टाइम में अपना योगदान दिया है इस देश को आज़ाद कराने में, जिन्होंने हमारे संविधान को रौंदा है, हमारी लोकतंत्र को दबाया है, हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश करी है, उसको हम कभी छोड़ने वाले नहीं है और माफ करने वाले नहीं है। हाल ही में हमने देखा था सर कि कैसे गुरुग्राम में जो है नमाज को लेकर हिंदू संगठन कपिल मिश्रा ने विरोध किया था, उसके बाद अब अजान को लेकर जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ये बयान देती हैं कि अजान होने से सुबह की लोगों की नींद खराब हो जाती है। देखिए, प्रभु का, भगवान का, अल्लाह का, जीसस का, ईसा मसीह का, गुरु नानक जी का नाम कभी भी ले सकते हैं श्रद्धा से, हैं इस पर हमें नहीं जाना चाहिए। ये भारत में तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के लोग हैं, उन सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए और दूसरे लोगों को दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। अपमान करना किसी को हमारे देश में शोभा नहीं देता। ये भारत जो है सभी का है, इसमें हर आदमी रह सकता है, खुशी से रह सकता है, देश तोड़ने वालों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर जहाँ पे मुस्लिम नमाज कर रहे हैं वहाँ पे जाके हिंदू संगठन के लोग बैठते हैं, वहाँ पे गोबर के उपले लगाते हैं और खुले में बैठकर मूंगफली खाते हैं, इतना ही नहीं, चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ भी कर लो हम तो यहाँ नमाज नहीं होने देंगे। देखिए, वो लोग ये हैं, इनके आका करवा रहे, फोन करते हैं जाइए आप विरोध करिए। हमारे देश का नौजवान बहकाया जा रहा है, गुमराह करा जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई अपने अजा। अभी मैं बताता हूँ, दिवाली के टाइम में मेरे यहाँ खान साहब हैं, उन्होंने हनुमान मंदिर की पूजा करी, अच्छा उनको जचाया, लाइट जलाई, रोशनी करी, सफाई करी, बहुत सुंदर बनाया। एक मुसलमान ने, सवाल ये है कि भारत का इतिहास ऐसा है, एक गढ़गंगा में मेरे दोस्त का आश्रम है, वहाँ पे पिछले 24 साल से साबुद्दीन नाम का मुसलमान भाई हनुमान मंदिर की, भगवान राम की सेवा करता है गढ़गंगा के किनारे। तो ये भारत का कल्चर है,
अभी एक फिल्म भी मैंने देखी अक्षय खन्ना की आई है, उसमें भी लास्ट में दिखाया है गणेश जी को खतरा हो गया था तो सारे मुसलमान भाई बम ब्लास्ट हो रहे थे, उनकी फोटो लेके चल दिए। एक अच्छी सोच, अच्छी दिशा करने की कोशिश दी जा रही है, इनको ये काम करने चाहिए। तोड़ फोड़ की राजनीति में ना तो हम विश्वास करते और हम चाहते हैं कि ऐसा हो भी ना। तो ये थे हमारे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी, जिनको देखा आपने कि कैसे इन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है, उन पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही कंगना रनौत को भी काफ़ी कुछ इन्होंने सुनाया है, इनका विरोध किया है और साथ ही कहा है कि राष्ट्रपति को इनसे पद्मश्री ले लेना चाहिए। और इन्होंने इतना भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा देश के अन्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें PRB। धन्यवाद।